कोलाइडर और डेन ऑफ गीक आर्टिकल में गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग मूवी की कुछ नई प्लॉट डिटेल्स दी गई है और ये नई बिहाइंड द सीन भी, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इन दोनों के ऊपर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉयलर्स। गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग की घटना गॉडज़िला किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी के 5 साल बाद होगी। गॉडज़िला का व्यवहार थोड़ा अजीब हो चुका है, पर मेडिसन रसल यही मानती है कि इसकी भी कोई वजह है जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कॉन्ग को स्कल आइलैंड से दूर किया जा रहा है और यही वो वजह है जिसकी वजह से गॉडज़िला और कॉन्ग की फाइट होगी। मोनार्क के अलावा एक और दूसरी कंपनी है जो ईविल है, और उस कंपनी का नाम है एपेक्स। हॉलो अर्थ की वजह से स्कल आइलैंड बर्बाद होने वाला है, और शायद इसी कारण से वे लोग कॉन्ग को स्कल आइलैंड से दूर कर रहे हैं। मूवी में कॉन्ग और गॉडज़िला ना ही अच्छे हैं और ना ही बुरे, वे वही कर रहे हैं जो वे करते आए हैं। मेडिसन और उसके दोस्त जॉश और एपेक्स में पहले से ही काम कर चुके फॉर्मर टेक्नीशियन बर्नी इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उन्हें यही शक है कि गॉडज़िला के अजीब बिहेवियर के पीछे कहीं ना कहीं एपेक्स है। बर्नी ने एपेक्स की वजह से अपनी पत्नी को खो दिया और इसीलिए अब वो उनके खिलाफ है। मोनार्क अब गवर्नमेंट ऑफिशियल बन चुके हैं और उनका खुद का यूनिफॉर्म भी है। गॉडज़िला के अजीब व्यवहार से पूरी दुनिया डरी हुई है। हॉलोअर्थ में बहुत सारे नए क्रिएचर्स देखने को मिलेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर फाइट एक ड्रॉ होने वाली है, यानी गॉडज़िला और कॉन्ग इस फाइट में ना ही जीते और ना ही हारे हैं। कॉन्ग के इमोशंस के थ्रू हम मूवी देखेंगे। मोनार्क का प्लान रहता है कि वे ऑर्का की मदद से सभी टाइटन्स को हॉलोअर्थ में ले जाएं और उन्हें वहीं बंद कर दें हमेशा हमेशा के लिए, पर उनका यह प्लान फेल हो जाता है। रेन सेरिज़ावा सभी टाइटन्स को मारना चाहता है सिर्फ और सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए, इसलिए रेन पूरी तरह से बुरा नहीं है और ना ही अच्छा। ये बस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो रेन को किस तरह देखेगा। हांगकांग में स्कल आइलैंड से स्कल कॉर के अंडे लाए जाते हैं ताकि उन्हें बड़ा करके मेका गॉडज़िला के साथ लड़वाया जा सके, जिससे कि मेका गॉडज़िला को लड़ने की प्रैक्टिस मिलेगी। और ये है मेका गॉडज़िला का कंट्रोल रूम, और यहाँ मेका गॉडज़िला का एक और ब्लूप्रिंट है। मेन चेयर पर रेन सेरिज़ावा बैठा है और ऐसा लगता है कि वह अपने माइंड से इसे कंट्रोल करेगा, और ये कोई नॉर्मल रूम नहीं है बल्कि ये किंग गिडोरा का हेड है, जिसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी के क्रेडिट सीन दिखाया गया था। और ये पर्पल सी चीज सच में किंग गिडोरा का ब्रेन है, और शायद रेन अपने माइंड को किंग गिडोरा के माइंड के साथ कनेक्ट करके मेका गॉडज़िला को कंट्रोल करेगा। मुझे बहुत हद तक ऐसे ही लगता है कि मूवी के किसी पॉइंट पर किंग गिडोरा अपनी कॉन्शियसनेस को गेन कर लेगा और वो खुद से ही मेका गॉडज़िला को कंट्रोल करने लगेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी फैंस हैं डांसों से गॉडज़िला के, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।